टीवी की वो हसीना जिन्होंने बेहद ही छोटी उम्र में ही एक बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग बना ली, और आज लोग इन्हें इनके माइंड ब्लोइंग एक्टिंग और क्यूटनेस की वजह से बहुत पसंद करते हैं। और हाल ही में ये खतरों के खिलाड़ी सीजन 12 में भी नजर आने वाली हैं। देहरादून के एक छोटे से शहर से निकलकर 15 साल की शिवांगी अपनी माँ के साथ सपनों के शहर मुंबई आ गई थी, और मुंबई आकर सालों साल मेहनत करके इन्होंने आज अपनी एक पहचान बना ली है। और आज शिवानी 24 साल की उम्र में टीवी की ए लिस्ट एक्ट्रेस हैं। लेकिन इनकी ये कहानी इतनी भी आसान नहीं थी, इन्होंने बहुत सी मेहनत करके इस मुकाम को हासिल किया है, जिसके बारे में आज हम इस वीडियो के थ्रू जानने वाले हैं। तो हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सभी सेफ और हेल्दी होंगे। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे शिवांगी जोशी के बारे में, और साथ ही जानेंगे इनके एक्ट्रेस बनने की इस जर्नी और इनके स्ट्रगल के बारे में भी, और साथ ही बहुत सी इंटरेस्टिंग बातें इनकी पर्सनल लाइफ को रिलेटेड भी। तो ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग और इंस्पायरिंग होने वाला है, एंड तक ज़रूर देखिएगा। 18 मई 1998 को पुणे महाराष्ट्र में एक क्यूट सी लड़की का जन्म हुआ, जिन्हें आज आप शिवांगी जोशी के नाम से जानते हैं। शिवांगी के पापा आर्मी में थे, जिसके कारण उनका ट्रांसफ़र देहरादून हो गया और इनकी पूरी फैमिली देहरादून शिफ्ट हो गई, जहां पर इन्होंने अपना पूरा बचपन जिया और अपनी स्कूलिंग की। इनकी फैमिली में मम्मी पापा, एक भाई और एक बहन है। शिवांगी पढ़ाई में एक ब्रिलियंट स्टूडेंट थी, जिसे सब लोग चाहते थे कि एक डॉक्टर बने, और शिवांगी भी पहले डॉक्टर ही बनना चाहती थी। लेकिन जैसे जैसे बड़ी हो रही थी तो इनका ध्यान एक्टिंग और डांसिंग की तरफ होने लगा, और 6th-7th स्टैंडर्ड में शिवांगी ने डिसाइड कर लिया कि ये एक एक्ट्रेस ही बनेंगी, और एक एक्ट्रेस बनने के ख्वाब देख चुकी थी। तब फिर पेरेंट्स अपनी बेटी के कहने पर उसके सपनों को साकार करने के लिए एक्टिंग करने के लिए अलाउ कर दिया, और 10th क्लास कम्प्लीट करके महज 15 साल की उम्र में शिवांगी अपनी माँ के साथ मुंबई आ गईं, जिस पर इनके रिलेटिव्स और फैमिली ने काफ़ी कुछ बोला, और कुछ का कहना था कि मुंबई डॉक्टर बनने जा रही है या हीरोइन बनने। लेकिन शिवांगी की पेरेंट्स ने उस सब को इग्नोर कर अपनी बेटी के सपनों को पूरा करने के लिए ध्यान दिया। शिवांगी अब मुंबई आकर रहने लगी थी, जहाँ इन्होंने जाना कि यहाँ काम पाना इतना आसान नहीं है। इन्होंने लोगों के सजेशंस पर ऑडिशन देने शुरू कर दिए, और लगातार 6 महीने तक ये हर दिन ऑडिशन देती रहीं, और फिर तब जाकर इन्हें बड़ी मुश्किल से अपना पहला ब्रेक मिला। और शिवांगी को अपना पहला ब्रेक मिलने में ही काफ़ी मुश्किलें आईं, क्योंकि ना तो मुंबई में इनका किसी से कनेक्शन था और ना ही ये किसी को जानती थी। शिवांगी और इनकी माँ इतने बड़े शहर में पूरी तरह अनजान थे। शिवांगी को अपना पहला ब्रेक आशीर्वाद इडली का एक ऐड शूट मिला था, जिसके बाद शिवांगी को कुछ और ऐड्स भी मिले, और फिर काफ़ी टाइम बाद एक सीरियल में एक सपोर्टिंग रोल करने का मौका मिला। सीरियल्स और ऐड शूट कर लेने के बाद भी इन्हें अब तक कोई ऐसा काम नहीं मिला था जो इन्हें पहचान दिला सके। शिवांगी को अब एक ऐसे शो की तलाश थी जिसमें यह लीड रोल में हो, और तब फिर एक बार बेगूसराय नाम के एक सीरियल के लिए ऑडिशन चल रहे थे, और शिवांगी ने भी लीड रोल के लिए वो ऑडिशन दिया, और अपने क्यूटनेस और यंग एज के चलते इन्हें सेलेक्ट कर लिया गया। शिवांगी का ये फर्स्ट लीड रोल था, जिससे इन्हें टेलीविज़न में थोड़ी बहुत पहचान मिल रही थी। लेकिन कुछ मंथ की शूटिंग करने के बाद ही इन्हें रिप्लेस कर दिया गया, जिसमें मेकर्स का इन्हें कहना था कि अब वो शो का नया सीक्वल लाएंगे, जिसके लिए उन्हें न्यू एक्टर्स की ज़रूरत होगी। उसके बाद फिर 2016 में शिवांगी को एक लाइफ टर्निंग सीरियल मिला, जिसने शिवांगी को हर घर तक पहुंचा दिया। वो था सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है, जो कि पहले से ही काफ़ी पॉपुलर था, और शिवांगी ने इसमें नायरा का करेक्टर प्ले किया था, जो कि लोगों को बहुत पसंद आया, जिसमें इनके अपोजिट थे मोहसिन खान, और इन दोनों की केमिस्ट्री को लोगों ने बहुत पसंद किया। इन दोनों की जोड़ी ने लोगों को अपना दीवाना बना दिया था, और इतना भरपूर प्यार मिलने का नतीजा रहा कि ये दोनों साथ में शूटिंग करते करते और फैंस द्वारा इन दोनों की बॉन्डिंग को इतना पसंद किए जाने पर ये एक दूसरे के काफ़ी क्लोज आ गए और एक दूसरे से प्यार करने लगे, और दोनों इस बात को कन्फर्म करते नज़र आए। दोनों ने इस बात को एक्सेप्ट किया कि ये दोनों रिलेशनशिप में हैं। शिवांगी और मोहसिन ने साथ में काफ़ी सारे म्यूज़िक एल्बम्स भी किए, और शादी के बारे में पूछने पर इन दोनों का ही कहना था कि शादी में अभी काफ़ी टाइम है, अभी ये बहुत काम करना चाहते हैं और बहुत आगे जाना चाहते हैं। और इसी बीच शिवानी को एक दूसरा सीरियल मिला, बालिका वधू 2, लेकिन उस सीरियल को कुछ खास रिस्पॉन्स नहीं मिला, और लोगों द्वारा ज़्यादा पसंद ना किए जाने के कारण उसे कुछ मंथ्स की शूटिंग के बाद ही बंद कर दिया गया, जिस पर शिवांगी का कहना था कि कई बार ऑडियंस को उनके सारे प्रोजेक्ट्स पसंद नहीं आते, और ये छोटे बड़े एक्टर सभी के साथ होता है, और जैसा प्यार उन्हें ये रिश्ता है कहलाता सीरियल में मिला, ज़रूरी नहीं उनके हर प्रोजेक्ट में उन्हें उतना ही प्यार मिले। शिवांगी की कुछ फिजिकल अपेयरेंस की बात करें तो इनकी हाइट 5 फीट 4 इंचेस और वेट 52 kgs है, और शिवानी को टेलीविज़न इंडस्ट्री में ऑलमोस्ट 9 साल हो चुके हैं,
और फिलहाल शिवांगी अपने करेज और टैलेंट को दिखाने के लिए खतरों के खिलाड़ी सीजन 12 में नज़र आने वाली हैं, जहां पर ये काफ़ी अदर फेमस कंटेस्टेंट्स के साथ कम्पीट करेंगी। और अब देखना ये है कि ये शो में कितना आगे तक जा पाती हैं। वेल दोस्तों, ये थी कहानी शिवांगी जोशी की। आप क्या क्या कहना है इनके बारे में आप कॉमेंट करके बता सकते हैं। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग और इंस्पायरिंग वीडियोस देखते रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कोई शिकायत या सजेशन करना हो तो कमेंट भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी।